दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों लड़के और पुरुष एक लड़की की सुंदर शक्ल सूरत और उसका टकाटक फिगर देखकर उस पर अपना दिल हार जाते हैं, लेकिन जब वे उसको पटाने या इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं तो लड़की ना जाने कितना नखरा करती है, ना जाने कितना भाव खाती है, या लड़की बहुत घमंड दिखाती है। खैर इसके भी कई एक कारण होते हैं, जैसे कि कुछ लड़कियों को अपनी सुंदर शक्ल सूरत पर घमंड होता है तो कुछ लड़कियों को अपने पैसे पर घमंड होता है। खैर ऐसी भी लड़कियों की कोई कमी नहीं है जिनके पास न तो पैसा होता है और न ही अच्छी शक्ल सूरत होती है, फिर भी उन्हें सूखा ही घमंड होता है। दोस्तों लड़कियों को यह अच्छी तरीके से पता होता है कि उनके पास क्या है और लड़कों को उनसे क्या चाहिए। इसके अलावा कुछ आवारा टाइप के लड़के अपने मजे के लिए हर एक लड़की पर ट्रायल मारते रहते हैं, फिर वह लड़की शक्ल सूरत और रंग रूप में चाहे जैसी भी हो। कुल मिलाकर जितने ज्यादा लड़के लड़की पर लाइन मारते हैं तो लड़की को अपनी सुंदरता पर उतना ही ज्यादा घमंड भी हो जाता है, और ऐसी लड़कियां जल्दी किसी लड़के के हाथ नहीं आती, यानी कि ना जाने कितना नखरा और घमंड करती हैं और सोचती हैं कि मैं बहुत सुंदर हूँ इसीलिए ना जाने कितने लड़के मुझ पर लाइन मारते हैं। चलो बताते हैं। दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें। नंबर वन, दोस्तों आप जिस लड़की से प्यार करने लगे हैं लेकिन वह लड़की बहुत घमंडी है, जो आपकी लाख कोशिशों के बाद भी लाइन पर नहीं आ रही है, तो आप सबसे पहले यह जानने की कोशिश करें कि आखिर लड़की को किस बात का घमंड है, क्योंकि हर एक लड़की के घमंडी होने का कारण अलग अलग होता है। खैर कुछ लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्हें प्यार व्यार में कुछ ज्यादा दिलचस्पी ही नहीं होती, यानी कि वे किसी लड़के को अपना बॉयफ्रेंड बनाना ही नहीं चाहती। सेकंड नंबर, दोस्तों कुछ लड़कियों के घर परिवार के लोग काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं और वे अपने घर की लड़की को पाबंदी में रखते हैं। इतना ही नहीं, लड़की को पता होता है कि अगर वे प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई और उनके घर वालों को इस बात की जानकारी हो गई तो उनका घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, या परिवार के लोग उसके साथ किसी भी हद तक जा सकते हैं। लेकिन जब लड़के ऐसी लड़की को पटाने की कोशिश करते हैं और लड़की कोई रिस्पॉन्स नहीं देती तो लड़के सोचते हैं कि लड़की बहुत घमंडी है, जबकि सच्चाई तो कुछ और ही होती है। थर्ड नंबर, दोस्तों आप जिस लड़की को चाहने लगे हैं किंतु वह लड़की बहुत घमंडी है या नकलीली है, तो सबसे पहले आप उस लड़की के किसी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती कर लें, उसकी नजरों में अपनी अच्छी छवि बनाने की कोशिश करें, क्योंकि उसके बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती करने का आपको कई एक तरह से फायदा होगा। जैसे आपको लड़की के पास तक जाने का मौका मिलेगा, उससे बातें करने का मौका मिलेगा, यहाँ तक कि लड़की का स्वभाव कैसा है, वह कैसी है, क्या चाहती है, उसको क्या पसंद है, यह सब आप आसानी से समझ सकेंगे, जिससे उस लड़की को पटाने में बहुत आसानी होगी। फोर्थ नंबर, दोस्तों लड़की चाहे घमंडी हो चाहे नकलीली, यदि आप लड़की के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल कर लेते हैं तो उसे पटाने में आपको ज्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप वही सब करेंगे जो उस लड़की को पसंद है या जो वह चाहती है तो स्वाभाविक रूप से वह आपकी ओर अट्रैक्ट होगी। यहाँ तक कि जानकारी हासिल करने के बाद वही सब करने की कोशिश करें जो लड़की को पसंद है या लड़की को जो कुछ अच्छा लगता है, किंतु एक बात याद रखें कि उस लड़की के सामने दूसरी लड़कियों को घूर कर ना देखें, न ही दूसरी लड़कियों से किसी भी तरह का फ्लर्ट करें, क्योंकि ऐसा करने से लड़की की नजर में आपकी छवि खराब हो जाएगी। इसके अलावा ये जरूरी नहीं कि हर एक लड़की पटने के लिए ही घूम रही है, इसके अलावा ये भी जरूरी नहीं कि हर एक लड़की बॉयफ्रेंड बनाना ही चाहती है। फाइव नंबर, दोस्तों आप जिस लड़की से दिल लगा बैठे हैं किंतु वह आपको भाव नहीं दे रही है, तो आप उस लड़की की पसंद ना पसंद का ख्याल रखें, उसे इज्जत सम्मान दें, ज्यादा से ज्यादा लड़की के इर्द गिर्द ही रहें,
किंतु लड़की को हर जगह तंग ना करें। इसके अलावा जब तक लड़की से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप ना हो जाए, आप लड़की का विश्वास ना जीत लें, तब तक उसे जल्दबाजी में आकर प्रपोज ना करें। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।